हेलो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन बीच में मैंने 12th क्लास के लिए बनाए थे, क्योंकि उनके ICSE वालों के बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे थे, तो उनको कुछ हेल्प चाहिए थी तो मेरे को वो बनाना पड़ गया था। बट अब मैं बैक टू द टॉपिक आता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक था जहाँ मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम, दैट वॉज अर ओम्स लॉ। इन ओम्स लॉ के बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज बेस्ड अपॉन द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दो तरीके के कॉम्बिनेशन में लगते हैं, अभी मैंने यहाँ लिखा इन सीरीज, उसके बाद आएगा इन पैरेलल। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इन सीरीज पे। इन सीरीज में क्या होता है, आपने बैटरी से करंट निकाला तो बैटरी में आपको पता होना चाहिए एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव। मैंने की लगा रखी है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि की ओपन है। तो यहां से मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लगाया। अभी मैं सर्किट को पूरा करता हूँ ऐसे, यो अब क्लोज हो की। तो अब यहां से करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो कर रहा है एंड देन यहां से भी आई जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट को यहां बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल पर आने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है। इसका मतलब करंट दो रेजिस्टेंस तीन चार जितने भी सीरीज में लगे उन सब में से एक ही करंट फ्लो करेगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट भी कहता है, द करंट हैज अ सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, दैट मीन फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस द सेम करंट विल बी फ्लो। तो उस बात से हम आते तो आई यहां से फ्लो करा। अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल यानी एट ए पॉइंट पोटेंशियल वी ए मान लू और यहां पे वी बी मान लू, यहां पे वी सी मान लू, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वी ए बड़ा है, वी बी उससे छोटा है एंड वी सी उससे छोटा है। मैंने आपको लास्ट में बताया था पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज समथिंग जिसमें हम एनर्जी स्टोर करके रख देते हैं बट यूज नहीं कर रहे थे, वो पोटेंशियल उस चीज को डिफाइन करता है। ऐसे ही जब यहां से पोटेंशियल कुछ निकला यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकला, तो यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई यूटिलाइज भी नहीं हुआ चार्ज का। बट जैसे वो आर रेजिस्टेंस से फ्लो करा उसने अपना कुछ पोटेंशियल लूज कर दिया। और यहां जो मैं V1 की बात करता हूं, वो V1 क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस पोटेंशियल दिस एंड व्हेन इट गोज थ्रू R2, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, वी भी बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी सी। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट ऐड कर लूं, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूं, सो नॉट ऐड सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सो V1 प्लस V2 गिव्स व्हाट, VA माइनस VC एंड VA कौन सा पोटेंशियल है, VA वही पोटेंशियल है जो पॉजिटिव टर्मिनल किसका था, बैटरी का, और VC कौन सा पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल है जो बैटरी का नेगेटिव था। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, वही पोटेंशियल जो किसका था, बैटरी का, और ये पोटेंशियल किसका है, अगर मैंने V1 V2 ये वो पोटेंशियल है जो कि इन रेजिस्टेंस ने लिए। समझ में आ रही बात। अब इस कंक्लूजन से मैं अपने आगे कैसे पहुंचता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीज मैंने भी यहां पे लिखी है, वही चीज मैंने यहां लिखी थी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका V1 माना है हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V2, और इन दोनों के सब के बराबर यह है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो इस चीज से मैं कैसे कंक्लूड करता हूं, मान ये हमने करा V जो टोटल पोटेंशियल है वो इन दोनों के बराबर है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस मैंने लगाए। टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। इस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, आई द करंट थ्रोइंग फ्रॉम दिस आर आई आर, इसका भी आई आर टू, दोनों में आई कॉमन ले लीजिए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2, तो देन वी लेफ्ट विथ ओनली R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो इफ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज दैट मींस द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, ये पॉइंट याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स उससे कंक्लूड करके हम क्या कहें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इज द समेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। द सिंपल अर्थमेटिक मीनिंग, कोई रेसिप्रोकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल अर्थमेटिक मीनिंग। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड जो कॉम्बिनेशन होता है दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। क्यों, इस चीज को समझते हैं। यहां से जो पोटेंशियल निकला है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से निकला वी ए, वही पोटेंशियल यहां भी होगा और वही पोटेंशियल वी बी भी होगा। एक चीज को आपको समझना है, R1 से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रिएट होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और R2 से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी वी ए माइनस वी बी। तो
दोनों केस में तो यही रहने वाला है, और वी ए माइनस वी वी भी है क्या, वो वही पोटेंशियल है जो किसका है, इस बैटरी का। तो इसका मतलब जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कैसे पैरेलल में, तो दैट मींस उस केस में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब आते हैं आपके करंट के ऊपर, जब यहां पे आया और सर्किट ब्रांच में ब्रेक हुआ है, टूटा है, तार टूट गया, या तार को हमने दो अलग अलग रास्ते दिखा दिए पहुंचने के, कि यहां से जाओ ऐसे ऊपर से चले जाना, यहां आ जाओगे या ऐसे चले जाओ, उस वाले में नहीं था प्रीवियस वाले। सो उस केस में यहां पर जहां पर यहां गया और ऊपर से गया, तो यहां इस केस में जो आपका करंट है वो ब्रेक हो जाता है आई वन आई टू या जितने भी आपके वो हैं, जितने भी आपके रेजिस्टेंस होगा उतने ही पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एंड सम ऑफ ऑल द करंट, सारे करंट का सम क्या होगा, वही करंट जो कि किसने दिया है आपको, बैटरी ने। क्योंकि अगर मान लेते हैं आई करंट आया तो आई में से आई वन यहां चला गया, आई टू यहां चला गया, अल्टीमेटली वापस भी तो फिर आई ही मिल रहा है, तो इन दोनों में ब्रेक हो गया, यानी आई इक्वल्स टू व्हाट, आई वन प्लस आई टू। और हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताया वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। मैंने अभी ये बताया टोटल करंट निकालने के लिए वी बाय आर कर दे, और इसको निकालने के लिए इसका हो जाएगा वी अपॉन आर वन, और इसका निकालने के लिए वी अपॉन आर टू, क्योंकि दोनों जगह तो वो सेम है, V से डिवाइड मार दो सारी सिचुएशन को, तो ये आ जाता है। तो इफ द करंट रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, सो द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट बाय दिस मेथड। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है जब पैरेलल में हो तो आपको क्या सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या पैरेलल में सीरीज में क्या सेम था, करंट, इसमें पैरेलल में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको ये पता है आप ये आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन बना के रखा है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को आती है कि कहां पैरेलल बनना है कहां सीरीज, इसके लिए बेस्ट वे है जहां पे आपका तार टूटे, अगेन आई एम सेइंग ब्रेक हो, उससे दो स्प्लिटेशन हो, वहां पर पैरेलल है। तो आप देखिए यहां से वायर सीधा आ रहा है, यहां से वन टू थ्री, तो ये आपका क्या ऐसा पॉइंट हो गया, स्प्लिटेशन पॉइंट, दैट मीन यहां से पैरेलल हुआ, एंड सेम अप्लाई फॉर हियर। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं आपको एक्स नाम ले लेते हैं एंड इस पॉइंट को हम वाई नाम ले लेते हैं। तो यहां पर हुआ है तो ये एक अपर पार्ट जो बुरा टर्न हो रहा है, क्या ये भी ब्रेक डाउन पॉइंट है, नहीं ये ब्रेक डाउन पॉइंट नहीं है। क्यों ब्रेक डाउन पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां पे करंट गया, ओके मुड़ गया, पर देन वापस मुड़ गया, वो मुड़ा है, वो वहां से स्प्लिट नहीं हुआ, यानी फर्दर स्प्लिटमेंटेशन नहीं हुई करंट की। तो एक्स वाई अप वाले में पॉइंट एक्स वाई में अप वाले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वन प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स थ्री ओम, और डाउन वाले में कितना होगा, टू प्लस टू प्लस टू, दैट कम्स सिक्स ओम, ये जो डाउन वाला पार्ट है। तो इसी का अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करूं, इसी को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊं, तो एक तो मेरा ये होगा कि वन ओम गया, और यहां से जो अप वाला पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर लिया, एंड दैट कम्स थ्री ओम, तो यहां पे थ्री ओम बनेगा, मिडिल पार्ट कितना बनेगा, मिडिल पार्ट आपका बनेगा सिक्स ओम, और इससे लोअर पार्ट कितना बनेगा, इसका लोअर पार्ट आपको सॉरी मिडिल पार्ट आपका टू ओम है, और लोअर पार्ट कितना हो गया सिक्स ओम। इन तीनों को हम कंबाइन कर लेते हैं एंड देन दिस फर्दर गोज ऑन बाय वन, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें इन तीनों को और करना पड़ेगा, एक्स वाई है, इन तीनों को पैरेलल सर्किट में करना पड़ेगा, दैट मीन्स वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन सिक्स, जिनके एलसीएम अगर हम ले लें तो कितनी आनी चाहिए सिक्स, थ्री के टाइम में सिक्स का आएगा टू प्लस थ्री प्लस वन, सो वन अपॉन आर कितना आया आपका, वन अपॉन आर आया मेरा सिक्स बाय सिक्स, दैट कम्स आर इक्वल टू वन। तो अगर मैं इससे भी सिंप्लीफाई सर्किट बनाना मांगू तो वन ओम, इन तीनों की जगह यानी एक्स वाई पॉइंट की जगह मैं क्या कितना ओम लिख सकता हूं, वन ओम, और इसकी जगह वन ओम, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया ए और बी के अक्रॉस, वन प्लस वन प्लस वन, दैट कम्स थ्री ओम। सो दैट्स द वे टू सॉल्व द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इसके बाद मुझे एक चीज और बतानी है,
एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत फैमिली क्वेश्चंस देते हैं, फाइंड आउट द वे टू रिड्यूस टू द मिनिमम एक्सटेंट. तो मिनिमम एक्सटेंट पे जब ले जाने की बात होगी तो इस सब हमें पता है क्या करना है, हमें पैरेलल कर लेना है. और जब रेजिस्टेंस करने की बात होगी तो उस केस में हमें क्या कर लेना है, हमें सीरीज कर लेना है. स्क्वायर बना के दे देते हैं, बोलते हैं ईच साइड या एज कंटेन टू ओम रेजिस्टेंस. उस केस में हमें क्या करना होता है, उन्होंने पहला अगर पार्ट दे दिया फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी ए एंड डी. तो ए और डी में एक चीज आपको समझनी है, ए और बी टर्मिनल, बी और सी में टर्मिनल नहीं है. इस केस में करंट ऐसे गया और वो जा रहा है, एंड देन वो मुड़ गया, एंड देन वो इधर गया, देन वो मुड़ गया, एंड देन वो इधर गया. मतलब यहां से करंट स्प्लिट हुआ, कुछ करंट यहां गया आई वन और कुछ करंट यहां गया आई टू. तो यहीं पे करंट स्प्लिट हो गया जहां ए से स्टार्ट हुई है, ओरिजिनेशन हुई है. तो उस केस में बाकी सारा कैसे हुआ, सीरीज, और ये कैसे हुआ पैरेलल. तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये टू ओम जो कि किससे कनेक्ट है, डी से, और बाकी सारा आपस में कैसा निकल के आ गया, टू प्लस टू प्लस टू यानी सिक्स ओम जो कि पैरेलल में है. तो ये तीनों तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में आपने कर लिए, एंड देन दिस शुड बी इन पैरेलल विद दिस, क्योंकि यहां पे स्प्लिटेशन हो गई ए और डी पे. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, एंड देन आपको बस कुछ नहीं करना, 1/r = 1/6 + 1/2, जिससे एलसीएम आएगी 6, एंड देन 1 + 2 दैट कम्स 3, सो r = 6/4 दैट कम्स 3/2 1.5. तो ये बढ़िया क्वेश्चन है. इसके बाद एक और सर्किट वो बोल सकते हैं, व्हेन द सर्किट इज बिटवीन ए एंड सी. जब ए और सी की बात आएगी तो बिल्कुल सही, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, सी वाला पार्ट हटा देते हैं. यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, यहां पे आ गया, सी पर रुक गया, एंड बी अब कोई टर्मिनल नहीं है, एंड देन जो करंट यहां से जा रहा है वो यहां मुड़ गया, एंड देन वो यहां. तो अब की बार मेरा सर्किट जो रिड्यूस होकर आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए टर्मिनल को अगर मैं यहां मान लू तो 2 ओम यहां पे, उसके बाद सीरीज में बस वो तार मुड़ा ही था यहां पे बी टर्मिनल पे, एंड देन 2 ओम आगे है, एंड देन दिस, एंड नीचे भी कुछ वैसा ही है, 2 ओम यहां पर है, एंड देन उनके बीच में डी आ गया टर्मिनल जिसे हम एग्जिस्टेंस नहीं ले रहे, फिर से 2 ओम आ गया, और देन ये सर्किट कंबाइन होकर 2, तो 2 + 2 = 4, एंड ये रिड्यूस होकर कुछ ऐसा हो जाएगा 4 ओम, और नीचे भी 4 ओम, 4 ओम 4 ओम नीचे आ जाएंगे, एंड देन दे बिकम पैरेलल, एंड पैरेलल का हमें पता है 1/r = 1/4 + 1/4, जिसकी वजह से हमारा क्या आएगा 1/r = 2/4 दैट कम्स r = 2. तो आपने एक चीज देखी, हमने एक ही सर्किट है पर उसे अलग अलग टर्मिनल से ले रहे हैं तो अलग अलग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट मैं जो वीडियो डालूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल डालूंगा, एंड उस वीडियो में मैं ओम्स लॉ से रिलेटेड इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, करंट होगा, इक्वल रेजिस्टेंस भी हमें चाहिए क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस से ही हम करंट निकाल पाएंगे. तो इनके कॉम्बिनेशन से डालूंगा, और मोस्टली मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिनके चांसेस हैं इस बार बोर्ड में आने के. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. थैंक यू.